गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। सेम वही है जिसे आपने 10th क्लास में ग्रुपिंग ऑफ क्या पढ़ा था, रजिस्टर, ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर में हमने दो केस पढ़े थे, फर्स्ट क्या था सीरीज, सेकंड क्या था हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर में भी वही दो केस है, फर्स्ट वन इज द सीरीज, सेकेंड वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मीनिंग क्या होता है, एक ही लाइन में लगाना। ठीक है, कैपेसिटर को कहाँ लगा दो, एक ही लाइन में, उसे क्या बोलोगे आप, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर। पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, इस तरीके से लगाना। ठीक है, देखो पैरेलल कैपेसिटर का पहला एंड किससे कनेक्ट है, दूसरे कैपेसिटर के पहले एंड से। ठीक है, और सेकंड एंड किससे कनेक्ट है, दूसरे कैपेसिटर के सेकंड एंड से, ये डिफरेंस होता है। कैपेसिटर में क्या है, एक ही लाइन में सीरीज में, और पैरेलल में क्या है, ठीक है, पहले का पहले से दूसरे वाले से, दूसरे के पहले से तीसरे वाले के पहले से। क्लियर है ये वाली बात, ये डिफरेंस होता है सीरीज और पैरेलल में। क्लियर, स्टार्ट करते हैं सीरीज से। कॉम्बिनेशन लेना है, तो कॉम्बिनेशन के लिए मिनिमम आपको कितने कैपेसिटर की नीड होगी, टू से लेके चलते हैं एग्जांपल। ठीक है, तो हमने क्या ले लिए, ये क्या होते हैं हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या हो गया हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कितने ले लिए, दो। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी वन, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी टू। क्लियर। अब आपने यहाँ पे क्या दे दी, सप्लाई, सप्लाई किसके थ्रू दे दी, बैटरी के थ्रू। तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, और ये सप्लाई का क्या होता है, नेगेटिव। बड़े वाला टर्मिनल होता है प्लस, छोटे वाले टर्मिनल क्या होता है, माइनस। ठीक है, इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हाइयर पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या है, लोअर पोटेंशियल। तो क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या मान लिया, क्या मान लिया, वी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है, एक ही लाइन में लगा दो, सिंपल सी बात याद करो, क्या हो, एक ही लाइन में, तो क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, ठीक है, जो पहले का राइट है वो दूसरे से क्या होगा, लेफ्ट के, और दूसरे का जो राइट है वो तीसरे के क्या होगा, लेफ्ट के, तीसरे का जो राइट है वो चौथे के क्या होगा, हमारे पास लेफ्ट के। क्लियर है, अगर बहुत सारे हमारे पास क्या हो, कैपेसिटर हो। अब देखो यहाँ पे मेन बात समझने की क्या है, अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस। तो अपने इस सर्किट में करंट कैसे जाएगा, प्लस से माइनस, ये बात क्लियर है, प्लस से माइनस। ठीक है ना, जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट यहाँ से आएगा, क्लियर है ना ये बात। ठीक है, अब बात देखो यहाँ से समझने के, ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, ये भी हमारे पास क्या है, तो कैपेसिटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लूँ ए, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट क्या लिया, बी, इस ए पे क्या आ रहा है, प्लस बी का, इस बी पे क्या आ रहा है, माइनस। तो इस ए बी पे कौन कौन से पॉइंट पे, ए बी पे पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, वी के इक्वल होगा, यस और नो, क्लियर ही वाली बात। इस ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, वी के इक्वल होगा, क्लियर है। यहाँ पे क्या जा रहा है, प्लस, यहाँ पे क्या जा रहा है, माइनस। तो वी ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है किसके इक्वल होगा, इस वी के इक्वल होगा, ये बात समझ आ गई इतनी, क्लियर। ठीक है, अब देखो ये जो कैपेसिटर है ये मेटल प्लेट का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, मेटल। अब शुरू में इस मेटल प्लेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल। क्यों, ये
जितना प्लस है उतना ही इस पे क्या है माइनस, तो ये क्या है न्यूट्रल। अब हुआ क्या, इस कैपेसिटर को आपने किससे कनेक्ट किया, बैटरी से, ठीक है। इस कैपेसिटर के जो मेटल प्लेट है ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव है उतना क्या है नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ क्या होंगे अट्रैक्ट, तो यहाँ से कौन इलेक्ट्रॉन हो गया अट्रैक्ट, बस समझ आ गई। क्यों अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि इस पे क्या है प्लस और इस पे क्या है यहाँ पे माइनस भी है और प्लस भी है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी साइड अट्रैक्ट होंगे प्लस की साइड, यस और नो। क्योंकि बैटरी क्या प्रोवाइड कर रही है उसको एनर्जी, और एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ खींचे चले आए, यहाँ खींचे चले आए, ये बस समझ आ गया। ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ एंटर करेगा, यहाँ एंटर करेगा, यहाँ से एंटर करके कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इतनी बस समझ आ गई। सबसे पहले क्या ली, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये किसके बने हुए हैं मेटल के, इसके ऊपर स्टार्टिंग में चार्ज है नो, जितना प्लस है उतना ही क्या है माइनस है, क्लियर है। तो यहाँ पे माइनस है, ये माइनस इस बैटरी से क्या होंगे अट्रैक्ट, तो कौन अट्रैक्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, आगे बात समझ। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले आ गए यहाँ पे, यही इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेंगे इधर, और ये इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएंगे यहाँ, बात समझ आ गई। क्योंकि देखो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन से क्या होती है अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करे तो करंट आपका कैसे फ्लो करेगा ऐसे, ये सुनो क्लियर ये वाली बात, सुना ना। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, प्लस से माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या होती है अपोजिट, ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो जब इस कैपेसिटर की मेटल प्लेट से क्या निकला नेगेटिव, हाँ जब नेगेटिव निकला तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा इस पे पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ पहुँच गए यहाँ पे, तो इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, ये बात समझ आ गई क्लियर। अब क्या होगा, ठीक है यहाँ पे आ गया प्लस और यहाँ पे क्या आ गया माइनस, अब बीच में यहाँ तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ये है ना मेटल प्लेट, इस प्लेट पे आएगा नेगेटिव, इस प्लेट पे आएगा पॉजिटिव, कैसे आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव देखो, ये जो प्लेट है ठीक है, ये जो प्लेट है और ये प्लेट है इस वायर के थ्रू क्या है कनेक्ट है, ये सुनो, इस वायर के थ्रू कनेक्ट है, तो ये वाला जो नेगेटिव है वो कहाँ फ्लो कर जाएगा यहाँ पे, कहाँ फ्लो कर जाएगा यहाँ पे, तो इस प्लेट पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या चार्ज आ गया प्लस के, क्या आ गया यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन निकले, जितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज़्यादा इस पे क्या आ जाएगा प्लस के, ये सुनो बोलो, तो यहाँ पे क्या आएगा सेम अमाउंट में चार्ज, पर क्या आएगा माइनस में, क्या आएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये बात क्लियर है। तो इतनी बात समझ आ गई कि अब यहाँ से तुम ये भी आइडिया लगा सकते हो, यहाँ से क्या निकला करंट, क्या निकला करंट, करंट ऐसे जाएगा प्लस से माइनस, कैसे आएगा प्लस से माइनस। करंट को कितने रास्ते मिल रहे जाने के लिए, एक या दो, करंट को जाने के लिए कितने रास्ते मिल रहे हैं, एक ही तो मिल रहे हैं या दो मिल रहे हैं, एक, जब एक ही रास्ते से करंट जा रहा है तो करंट क्या रहेगा सेम या अलग, सेम, इस कैपेसिटर में से भी क्या जाएगा यहाँ से सेम, इधर से भी करंट क्या जाएगा सेम, या अलग अलग जाएगा सेम, क्यों, क्योंकि यहाँ से करंट चलना शुरू हुआ, चलते चलते यहाँ गया, यूँ गया, क्या कहीं दो रास्ते जा रहे हैं, एक ही रास्ते, तो करंट क्या रहेगा सेम, क्या रहेगा ठीक है, करंट सेम। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, क्या होता है चार्ज बाय टाइम,
एक सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो करता है उसे क्या बोलते हैं, पास करंट, क्या बोलते हैं? तो एक सेकंड हो गया, जब करंट सेम है तो चार्ज क्या होगा? सेम चार्ज क्या होगा? सेम। तो मतलब क्या है, जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज क्या है यहाँ पे है। ये बात समझ आ गई क्लियर? तो क्या बात समझ आई तुम्हें, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? चार्ज। करंट सेम रहता है तो क्या सेम रहता है? चार्ज। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन सेम। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटे छोटे क्वेश्चन से बताते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, चार्ज या पोटेंशियल? तो आंसर विल बी चार्ज। क्लियर? अब दूसरी बात देखो, अब अपन ने क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालनी है ना, ये सुनो, क्या निकालनी है? कैपेसिटेंस। अब दूसरी बात ध्यान से देखो, इस प्लेट पे क्या है? प्लस। इस प्लेस पे क्या है? माइनस। तो जब यहाँ से यहाँ जा रहे हो पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम। क्या हो रहा है? कम। ये सुनो, ये जो वी पोटेंशियल है कहाँ डिवाइड होगा? इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया? वी वन। इसके अक्रॉस पोटेंशियल मान लो कितना आ गया? वी टू। क्लियर? ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? मेन फंडा क्या है, करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट को कितने रास्ते मिल रहे हैं? एक। एक मिल रहा है तो करंट क्या रहेगा उस रास्ते में? सेम, क्योंकि जो ये आपने वायर ली है इसकी रेजिस्टेंस क्या है? नेग्लिजिबल। क्या है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मीन्स जीरो। तो यहाँ पे कोई भी वायर में वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। जो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये सुनो क्यों, क्योंकि क्या है, किसको फॉलो करता है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो जितना यहाँ पे पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल कहाँ है? ए और बी के अक्रॉस है। तो ए और बी के अक्रॉस में क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिवाइड। इसके अक्रॉस मान लो कितना आया? वी वन। इसके अक्रॉस कितना आया मान लो? वी टू। इतनी बात क्लियर है? इतना हो गया तो बस मैथमेटिकल ही रहेगा। तो क्या सेम हो गया? चार्ज। क्या डिफरेंट हो गया? पोटेंशियल। पोटेंशियल इज डिफरेंट किसके अक्रॉस? सी वन और सी टू के अक्रॉस। अक्रॉस सी वन एंड सी टू। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी बात, एक वर्ड हम यूज करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या वर्ड यूज किया? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे अपने रेजिस्टेंस में पढ़ा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा था, उस तरीके से वर्ड के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मीनिंग है? इसको, इसी कॉम्बिनेशन को मैंने ऐसे बना दिया। कितना पोटेंशियल था अभी? इस ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है? बी। इसके अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल रहेगा? बी। ये सुनो, बोलो इसका मीनिंग क्या है? जो काम ये दो कैपेसिटर मिलके करेंगे वही काम की कौन कर सकता है? सिंगल कैपेसिटर। कोई सर्किट है, कोई सर्किट में हम जो ये दोनों कैपेसिटर मिलके जो कैपेसिटर की वैल्यू दे रहे थे उसको हम किससे रिप्लेस करते? एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करते, उसे क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। समझ आ गया? जो काम कौन करेगा ये दोनों करेंगे, वही काम सर्किट में कौन करेगा? ये सिंगल कैपेसिटर करेगा। इसको क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंट कैपेसिटर। क्लियर? अब देखो, अगर हम फॉर्मूला लिखे किसका, क्यू का, सी और वी का, क्या फॉर्मूला होता है? क्यू इज इक्वल टू सी वी। क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू सी वी। क्लियर? यहाँ पे पोटेंशियल कितना आया और यहाँ पे पोटेंशियल कितना आया? वी। कितना आया? वी। अब यही सिंगल है, इस सिंगल की जगह क्या है यहाँ पे? दो।
यहाँ पे क्या था सिंगल, यहाँ पे सिंगल की जगह क्या है दो, तो इसके ग्रोथ पोटेंशियल कितना आ रहा था वी, कितना आ रहा था वी। यही पोटेंशियल कहाँ डिवाइड होगा इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस, तो हम लिख सकते हैं वी किसके इक्वल है वी वन प्लस वी टू, उस तरीके से भी समझा दिया और दूसरे तरीके से समझा दिया, क्लियर। आगे बस समझ, इन दोनों की जगह हम क्या लगा सकते हैं सिंगल कैपेसिटर, दो जो काम ये दो मिलके करेंगे वही काम कौन करेगा ये सिंगल करेगा। आगे बात समझ, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे मैंने ए और बी पॉइंट बनाया था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था वी, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी। अब इस दो की जगह तुमने क्या बना दिया ए, एक के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है वी, उल्टा चले तो वी के इसके कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया दो में, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किस में डिवाइड हो जाएगा दो में। ये बात समझ आ गई, तो जो V पोटेंशियल है छोटा लिख सकते हो V1 प्लस V2, क्लियर। यहाँ से V देखो क्या आएगा Q बाय में C, क्या आएगा Q बाय में C, तुम क्या कह सकते हो यहाँ से इस V को क्या लिख सकते हो Q बाय में C, क्लियर। V1, V1 को क्या लिखोगे फिर Q बाय C1, V2 को क्या लिखोगे Q बाय में C2, क्लियर। Q बाय में C1 प्लस Q बाय में C2, इतनी बात समझा के होगी। कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है चार्ज, क्या डिफरेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंट, इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाए तो क्या बनेगा ऐसे, और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस और माइनस, ये क्या हो गया सी, ये क्या हो गया बी, क्लियर। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं क्यों किसके इक्वल होता है सी वी के, क्यों किसके इक्वल होता है सी वी के, तो हमारे पास क्यू बाई सी किसके इक्वल आएगा वी के, क्यू बाई सी किसके इक्वल आएगा वी के, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी, कितना है वी, इस सिंगल की जगह यहाँ पे कितने हैं दो, कितने हैं दो, तो यही पोटेंशियल किस में डिवाइड होगा पहले के अक्रॉस और दूसरे के अक्रॉस, तो हम क्या लिख सकते हैं V is equal to V1 plus V2, ठीक है। V is equal to V1 plus V2, V की जगह क्या लिख सकते हो Q by में C, V1 की जगह Q by C1, V2 की जगह Q by C2। अब आगे समझ, लेफ्ट में भी Q है और राइट में भी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा 1 by C is equal to 1 by C1 plus में 1 by C2। ये रिजल्ट तुमने रजिस्टर में कहाँ देखा था पैरेलल में, अब यहाँ पे क्या कैपेसिटर में सीरीज में, क्लियर। आगे समझ, ठीक है। अच्छा अगर मान लो इसको देखो मॉडिफाई करके भी ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 by CS LCM क्या आ जाएगा C1 C2, एलसीएम क्या आ जाएगा C1 C2, ऊपर क्या बचेगा C2 plus C1, क्लियर है। तो यहाँ से CS क्या आ जाएगा C1 into C2 C1 plus में C2, ये बात समझ आ गया। क्या आएगा यहाँ से 1 by CS C1 C2, LCM ऊपर क्या बचेगा C2 plus C1, तो क्या बचेगा CS C1 into C2 C1 plus C2, ऊपर कौन सी टर्म आएगी मल्टीप्लाई वाली, नीचे कौन सी टर्म आएगी एड वाली, क्लियर है। अगर मान लो क्वेश्चन गिवन है 2
कैपेसिटर हैज़ द वैल्यू ऑफ 2 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड. फाइंड आउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर. सीधा कर दोगे क्या, C1 इंटू C2 डिवाइड बाई में C1 प्लस में C2. तो ऊपर कौन सी टर्म आएगी, मल्टीप्लाई, ऊपर वाली नीचे कौन से आएगी, ऐड. कब एप्लीकेबल है ये, जब कितने कैपेसिटर हो, 2. रजिस्टर में भी क्या होगा तुमने ऐसे R1 R2 R2 प्लस R2 सीरीज में, पैरेलल में, सॉरी, क्या होगा ये. अगर n कैपेसिटर होते तो क्या रिजल्ट आता, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/CN. आगे बात समझ. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, चार्ज. क्या सेम रहता है, चार्ज. क्या डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. क्या डिफरेंट होता है, ठीक है. और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, जो अफेक्ट वो इंडिविजिबल कैपेसिटर मिलके करेंगे वही अफेक्ट कौन कर सकता है, सिंगल कैपेसिटर. उसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. क्लियर. दूसरा आपका इसमें पैरेलल कैपेसिटर या कैपेसिटेंस. पैरेलल कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या था, एक लाइन में नहीं लगाना. क्या करना है, पहले कैपेसिटर का लेफ्ट दूसरे कैपेसिटर के लेफ्ट से, तीसरे कैपेसिटर के लेफ्ट से, और राइट राइट आपस में कनेक्ट कर दो. तो क्या बन जाएंगे वो, पैरेलल. पैरेलल समझते हो ना, क्या होते हैं, जो कहाँ पड़े हैं, आमने सामने. क्या हो गया, पहला कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा कैपेसिटर ये अपना क्या हो गया, तीसरा कैपेसिटर. C1 C2 C3 ये बात समझ आ गई. क्या किया है पैरेलल में, पहले का लेफ्ट दूसरे के लेफ्ट तीसरे के लेफ्ट, चार होते तो ऐसे आके, क्लियर. राइट राइट को क्या कर दो, कनेक्ट. ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब आगे फिर क्या कनेक्ट कर दोगे, एक बैटरी कनेक्ट कर दोगे. क्या कनेक्ट कर दोगे, बैटरी, ऐसे बीच से कनेक्ट कर दो उसका. क्लियर, ये क्या कनेक्ट होगी हमारे पास, बैटरी. क्या समझ आ गया. अब ध्यान से देखो, ये जो प्लस है कहाँ जा रहा है, यहाँ पे करंट कहाँ से शुरू होगा, प्लस से फ्लो करना, ये सुनो. तो यहाँ से कितना करंट निकला, मान लो आई, कितना करंट निकला, इस आई को क्या एक रास्ता मिल रहा है जाने के लिए. यहाँ से आई है, कहाँ जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी और इधर भी, कितने रास्ते मिल रहे हैं यहाँ पे, 3. तो आई को जाने के लिए क्या मिल रहे हैं, 3 रास्ते. तो क्या इसमें से, इसमें से, इसमें से करंट सेम रहेगा, नो. यह सेम रहेगा, नो. इसमें मान लो I1 करंट गया, इसमें I2 और इसमें कितना गया, I3. क्लियर. तो जब करंट क्या है, डिफरेंट करंट होता क्या है, चार्ज बाय टाइम. करंट क्या होता है, चार्ज बाय, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया उसे क्या बोलते हो तुम, करंट. क्या बोलते हो, तो जब करंट डिफरेंट है तो चार्ज भी क्या आएगा, डिफरेंट. क्या आएगा, तो बात समझ आएगी. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा और चार्ज क्या रहेगा, डिफरेंट. क्लियर है, पोटेंशियल सेम रहेगा ना. देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस. ये किससे कनेक्ट है, प्लस से, तो यहाँ पे भी कितना पोटेंशियल आएगा, प्लस. ये भी प्लस से कनेक्टेड है, तो ये पे पोटेंशियल कितना आएगा, प्लस. यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, माइनस. यहाँ पे कितना आएगा, माइनस. ये बात समझ आ रही है. तो क्या सेम हो गया, क्या सेम हो गया बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, इन दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बट चार्ज इज सेम या डिफरेंट, डिफरेंट. किसके अक्रॉस, C1 के अक्रॉस, C2
सी टू के क्रॉस और सी थ्री, सी थ्री के क्रॉस। समझा गया? कैसे समझा? उसमें करंट कहाँ जा रहा था? सेम लाइन में, एक ही लाइन में जा रहा था, तो करंट विल बी सेम। इफ करंट विल बी सेम देन चार्ज विल बी सेम। बट यहाँ क्या हो रहा है, इस करंट को कितने रास्ते दिखाई दे रहे हैं? तीन। ठीक है, तो इसमें कुछ करंट जाएगा, इसमें कुछ, इसमें कुछ। जब करंट डिफरेंट तो चार्ज भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट। तो यहाँ पे चार्ज क्या आ रहे हैं? डिफरेंट। क्लियर? अब ये बात तो समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लस कैसे आया और यहाँ माइनस कैसे आया, बताने की जरूरत है क्या? आ गया ना। ये न्यूट्रल थी पहले प्लेट, पॉजिटिव ने किसको अट्रैक्ट कर लिया? इलेक्ट्रॉन को। तो इस पे क्या बचेगा? प्लस। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस प्लेट पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ गया? क्यू वन। यहाँ पे कितना आ गया? क्यू टू। और यहाँ पे कितना आ गया? कोई डाउट आ गया? समझ? अब उसके बाद इसका भी हम क्या बना सकते हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। वो क्या होती है? जब इस सारों को हम इससे रिप्लेस कर दें, एक सिंगल से तो रिप्लेस, उसकी जगह आप ऐसे बना दें और यहाँ पे क्या लगा दो? एक बैटरी। तो ये क्या आ गया? सी। और ये कितना आ गया? डी। वही बात, इधर भाई देखो इसका, ये क्या हो गया? सी। ये क्या हो गया हमारे पास? वी। आगे बात समझ? ये क्या हो गया इसका? इक्विवेलेंट डायग्राम। क्लियर? अब वही बात, यहां से क्या शुरू हुआ? करंट जाना। इस करंट में सिंगल की जगह यहाँ पे कितने हैं? तीन। तो यहाँ सिंगल की जगह तीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करंट डिवाइड। इनको जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं पॉइंटों को? जंक्शन। सेकंड चैप्टर में आएगा अभी। ठीक है, आगे बढ़। समझ? कोई डाउट? क्या कह सकते हैं यहाँ पे? क्या लिखे? क्या डिवाइड हो रहा है? चार्ज। तो क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस में क्यू टू प्लस क्यू। आ गया। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सी वी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी वी। क्यू वन को क्या लिखूँ? सी वन वी। ये लिखूँ ना क्या? वी वन लिखूँ? वी लिखूँ। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या है हर कैपेसिटर पे? सेम। आगे बोलो। सी टू वी। आगे सी थ्री वी। तो सी किसके इक्वल आएगा? सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। क्लियर? पढ़ा हुआ ना ये सेम केस रजिस्टर में, इन दोनों में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम, चार्ज क्या हो जाएगा? डिफरेंट। तो ये रिजल्ट किसका आ गया? टेलर कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे लगा देते हैं हम सी पी। क्लियर? अच्छा, अब हमारे जितने भी घर में फैन है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसमें कैपेसिटर सीरीज में लगा रखा है या हमने पैरेलल में लगा रखा है? पैरेलल में। क्यों? सीरीज में तो वोल्टेज क्या हो रही है? डिवाइड। क्या हो रही है? अगर हमारा सर्किट को उतनी वोल्टेज ना मिली तो क्या वो सर्किट काम करेगा? नो। तो और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? पोटेंशियल क्या रह रहा है? सेम। तो वोल्टेज जितनी चाहिए उतनी उस सर्किट को क्या कर जाएगी? मिल जाएगी। तो हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसके अंदर हमारे कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं? पैरेलल में। क्यों? हम क्या चाहते हैं कि जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो डिवाइड हो जाए। डिवाइड होगी तो क्या जितनी उस हमारे अप्लाइंस को चाहिए वो मिलेगी? नो। इसलिए कॉम्बिनेशन में क्या होगी? वहाँ पे पैरेलल में होगी। किसमें होगी? वो पैरेलल में। तो ये क्या हो गया? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल। क्लियर? चलो एक नाम ऐड कर। देखो
कैपेसिटर, ऑफ कैपेसिटी, थ्री माइक्रोफेराड एंड टू माइक्रोफेराड, माइक्रो मीन्स 10^-6 कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, ठीक है, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 3 एंड 2 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, बताओ भाई क्या आंसर आएगा। हो गया, कनेक्ट है सीरीज में, ठीक है। तो C1 कितना गिवन है 3, C2 कितना गिवन है 2, CS निकालना है। अभी दो का मैंने एक फॉर्मूला डायरेक्ट किया था, मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड करके ऐड कर दो, तो C1 इनटू C2 डिवाइड बाय में C1 प्लस C2, तो CS क्या आ जाएगा 3 प्लस में 2 जा 6 डिवाइड बाय में 5, कितना आ जाएगा 1.2। अगली यूनिट क्या आएगी, माइक्रो आगे, ठीक है। इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर लेना, एटलीस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल में, जिसके दो तीन टाइप के अलग अलग होते हैं वो मैं करा दूंगी, क्लियर। तो घर से ये प्लस में न्यूमेरिकल ऑन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है, ये काम कराना, थोड़ा थोड़ा करा दूं इसे। एक टॉपिक और कर लो, चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर हम।